13 से 17 जून के मध्य अहमदाबाद के साबरमती में श्री समोषण विधान का आयोजन किया गया था। आरिका श्री पूर्णमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में विधान का विधिवत समापन किया गया। आरिकरत्न श्री पूर्णमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में अहमदाबाद में 13 से 17 जून के मध्य श्री समवशरण विधान का आयोजन किया गया। विधान का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। इसके बाद विधान शुरू हुआ। इस प्रकार साबरमती में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। संगीतमय लहरियों पर भक्ति में झूमते हुए भक्तों का उत्साह अलग ही था। माताजी के चरणों में पहुंचे भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आयोजक कमेटी ने सभी का स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। आज जो यह विधान समोषण विधान कराया गया है उसको पूर्णमती माताजी के सानिध्य में हुआ है और खूब ही शानदार आनंद पूर्वक हो गया है और निर्विघ्न समाप्त हुआ है। इसलिए हम सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इस सदी के महान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनकी धर्म प्रभाविका स्वर कोकिला गुरु माँ पूर्णमती माताजी का अहमदाबाद में 11 तारीख को भव्य प्रवेश हुआ और वो प्रवेश साबरमती दिगंबर जैन समाज के द्वारा कराया गया था, जिसमें साबरमती के बाबूजी तूने कर दिया कमाल अभय कुमार जी बाबूजी, जो हम सबके इष्ट हैं और हम उनको बहुत ही मानते हैं, उनके सानिध्य में पूरा प्रोग्राम संपन्न हुआ। साबरमती समाज ने इसमें पूरा सहयोग की करा। बहुत ही चारों तरफ प्रसन्नता फैली है कि साबरमती के इतिहास में ऐसा भव्य समोसरण विधान आज से पहले कभी भी नहीं हुआ और ऐसा विधान अहमदाबाद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। सभी मंदिर से सैटेलाइट मंदिर से 7 प्रतिमाएं, शाहपुर मंदिर से 6 प्रतिमाएं लाए और यहाँ पर जो 3 वेदियाँ बनाई गई है, ऐसा अद्भुत दृश्य जो आज देखने को मिला है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं पहली बार माताजी के पास दाहोद गया दर्शन करने के लिए और माताजी के दर्शन किए। माताजी ने दर्शन करते ही मेरे को बोला कि आप तो अशोक जी के भाई हैं अजमेर वालों के। मैं कहा जी माताजी, तो बोले अब वो नहीं रहे। तो माताजी ने बोला कि अशोक जी मेरे पास कम से कम 10 से 12 बार आए और उनकी इतनी भावना थी कि माताजी आप अजमेर में चातुर्मास करें, लेकिन अभी आज वो नहीं है। तो मैंने उनसे माताजी से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि माताजी मेरे भाई तो नहीं रहे, लेकिन अब उनका छोटा भाई आपसे निवेदन करता है कि आप अहमदाबाद में आएँ और चातुर्मास करें। तो माताजी ने आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के मध्य भ्रूण हत्या पर आधारित सुंदर नाटक का मंचन किया गया। बेटियों को मारते जाओगे तो ये बताओ कि बेटों के लिए बहुएं कहां से लाओगे? कल जब पंचकल्याणक होगा, जब विधान होगा, तो मंगल कलश के लिए बेटियां चाहिएंगी, तो वो बेटियां कहां से लाओगे? इस उपरांत आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। कि बचपन खेल में बिता दिया, जवानी विषय भोगों में अलमस्त रहा, निज की सुधी नहीं आई और जब बुढ़ा पाया इंद्रिय शिथिल हो गई, अब क्या करे? दौलत राम जी को लिखना पड़ा ये पंक्तियों को, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्थ व्रतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो, कैसे अपना स्वरूप को लखेगा, कब लखेगा, कब आएगा तेरे जीवन का वो शुभ मुहूर्त, वो सर्वार्थ सिद्धि का मुहूर्त, वो अमृत सिद्धि योग कब आएगा, जो तो अपने अमृत स्वरूप चेतन आत्मा को निरखेगा, देखेगा, उसका अनुभव करेगा, वो क्षण कब आएगा तेरे जीवन में? आचार्य भगवान कहते हैं उस क्षण को तो अभी इस वक्त ला सकता है, एक अंतर मुहूर्त में यह कार्य तू कर सकता है, लेकिन तुझे अनंत अनंत काल बीत गया। विधान के बाद विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ में आहुतियां देते हुए सभी ने विश्व शांति की कामना की। विधान के समापन बेला में समवशरण मंडल के समक्ष इंद्र इंद्राणियों ने श्रीफल भेंट कर समवशरण की परिक्रमा लगाई। जैन फोकस के लिए अहमदाबाद, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट।